नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। शनि जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज 3 जून है और मंडे का दिन है। राहु काल का समय मॉर्निंग का रहेगा, 3:05 AM से लेकर के 9:45 AM तक का। इसी के साथ आज शनि जयंती का पर्व है, बहुत ही खास पर्व है। और आज हम बात करेंगे आपकी राशियों की, किस तरह से दिन की शुरुआत की जा सकती है और क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज कार निकल रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों के लिए आज व्यवसाय बेहतर रहेगा, हालांकि पारिवारिक चिंताएं रह सकती हैं। मित्र संबंधी जो है उनसे मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। आज के दिन में किसी भी रोग से बच करके चलें, हो सके तो अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज भी दिखाई देते हैं आपको, हेल्थ इश्यूज, तो उसके लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा। लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, आजीविका के क्षेत्र में उन्नति के अवसर आज जरूर मिलेंगे। उपाय क्या करना है, आप अपने घर की चौखट पर 27 आम के पत्तों की बंधनवार लगाएंगे, साथ ही में शनि चालीसा का पाठ आज जरूर करेंगे। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही, साथ ही में नए प्रोजेक्ट्स जो आप शुरू करना चाहते हैं या किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के प्लान अप्स आप लोग कर सकते हैं। वृषभ राशि द हैंगमैन एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स का निकल रहा है। आप लोगों के लिए संपत्ति के कार्य जो हैं आज लाभ दे सकते हैं, और जो लोग इस व्यापार से, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि किसी भी चोट की वजह से आज हानि संभव है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। कोई भी फाइनेंशियल पार्ट के अंदर रिस्क नहीं लेना है, या कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त आपको रिस्क नहीं लेना है। उन्नति होती हुई नज़र आ रही है, लाभ हो रहा है, आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए बेहतर हो रही है। उपाय क्या करेंगे, आज अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो उसके बेसमेंट में, या शॉप्स जो हैं, आपका जो ऑफिस है उसके बेसमेंट में समुद्री नमक रखना है, लाहौरी नमक रखना है। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म होगी। चलिए बात करते हैं अब मिथुन राशि का। आज निकल रहे हैं आप लोगों के लिए 10 of Pentacles एंड द जजमेंट। आज के दिन में जेमिनाइज को रिस्क लेने से बचना चाहिए। हालांकि जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। रचनात्मक कार्यों में आप लोगों के लिए रुचि बढ़ेगी भी, और इसी फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। धनार्जन के योग नज़र आ रहे हैं, लेकिन भूमि विवाद की आशंकाएँ भी नज़र आ रही हैं। तो जो आप लोगों के लिए आपकी पैटर्नल साइड से या मैटर्नल साइड से जो भी प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे हैं, उसमें कोशिश कीजिए आप लोग बहुत ज़्यादा आज वाद विवाद नहीं करें, नहीं तो उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे, आज एकाक्षी नारियल अपनी दुकान में लेकर के जाना है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा संध्या काल के समय आज शनि स्त्रोत का पाठ ज़रूर करेंगे। कर्क राशि द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट कार्ड निकल रहा है। तो कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आज दौड़ धूप आप लोगों के लिए ज़्यादा रहेगी। विवाद को अवॉइड करना है, किसी भी तरह का कोई भी रिस्क वाला काम है या फिर शेयर मार्केट का काम है उसे अवॉइड कीजिएगा। जल्दबाजी से बचना चाहिए, नहीं तो हानि आज संभव है। बनता हुआ कार्य भी आज बिगड़ जाने से चिंताएँ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है। नज़र दोष से बचने के लिए आज 2 गोमती चक्र एक चांदी के पात्र में आपको जल भरना है, और उसको जो गोमती चक्र है उसमें डिप करके रखना है घर के उत्तर पूर्व की दिशा में। ऐसा करने से आप लोगों के लिए जो भी नेगेटिविटी है या किसी का कोई नजर दोष है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। तो आज मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा, हालांकि नई चीज़ों की खरीदारी का योग बन रहा है, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आज अस्थिरता लेकिन बढ़ सकती है, मानसिक तौर से अगर देखा जाए तो आप लोग थोड़े से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। आपके अगर आप चाहते हैं कि आपका हर काम जो है वो समय पर पूरा हो, तो 5 लघु नारियल आज 5 बार मौली लपेट कर उसको आपको मंदिर में रखना है। कोशिश कीजिए लाल कपड़े में बांध करके रखेंगे। लघु नारियल बहुत छोटे से साइज़ के होते हैं, और उस पर 5 बार मौली लपेट करके लाल रंग की मौली इस्तेमाल करनी है, और उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने मंदिर में आप रख दीजिए, घर में उत्तर पूर्व की दिशा में रख दीजिए। ऐसा करने से आपका जो भी काम आपने सोचा हुआ है वो ज़रूर पूरा होगा। कन्या राशि वर्गोस के लिए 8 of Swords एंड नाइट ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। तो पुराने मित्र और संबंधियों से आज मुलाकात हो सकती है, कोई भी उत्साहवर्धक सूचना आपको मिल सकती है, प्रसन्नता रहेगी पूरे ही दिन भर में। अपने परिश्रम की वजह से आज आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। उपाय क्या करेंगे, आज महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कहीं ना कहीं पर, और या फिर अगर आप किसी भी आर्ट की लाइन में, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अपने गले में धारण ज़रूर करें, और साथ ही में आज शिव जी को कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, और किसी भी पर्टिकुलर किसी फील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर कर पाएंगे। लिब्रंस द मजिशियन एंड द स्टार रिवर्स कार्ड निकल रहा है। उन्नति के मार्ग आज प्रशस्त होंगे। आज के दिन में मित्र और संबंधियों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, या कोई वाद विवाद चल रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रत्याशित लाभ के योग नजर आ रहे हैं।
व्यापारिक गोपनीयता जो है बनाए रखें, किसी भी काम को पूरा होने से पहले वो सीक्रेसी ज़रूर मेंटेन करें। अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई विवाह में बाधा है या किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, तो गणेश रुद्राक्ष जो है वो आपको धारण करना है। कोशिश कीजिएगा कि गणेश रुद्राक्ष की जो पहचान होती है उसकी होती है कि एक कली उसकी जो उभरी हुई होती है, तो आज के दिन में सुबह के समय गणेश रुद्राक्ष ज़रूर धारण कीजिए। वृश्चिक राशि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर रिवर्स कार्ड निकल रहा है। फालतू खर्चे से बचने के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसी पर एक्सपेंस करेंगे तो बेहतर है, दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी है। हालांकि एडिक्शन से भी आपको बचना होगा, थोड़ा बहुत भय रहेगा कामकाज की वजह से या फिर आपके राइवल्स की वजह से। कार्य क्षेत्र में आप लोगों के लिए आपको रिजल्ट्स तो बेहतर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए अपने शत्रुओं से। घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आपको वाटरफॉल की पिक्चर लगानी है, वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी आप सीनरी पेंटिंग लगा सकते हैं। सैजिटेरियंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं द लवर्स एंड द सन। आप लोगों के लिए आज यात्रा बेहतर रहेगी, नौकरी में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, और जो लोग इंटरव्यूज़ के लिए प्लान अप करना चाह रहे थे आज का दिन बेहतर है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए जो कर्ज़ा है वो उतर सकता है, उन्नति के मार्ग बन रहे हैं। यात्रा अगर आप करना चाहते हैं अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई, किसी भी कामकाज से जुड़ी हुई, तो आप लोगों के लिए लाभ लेकर के जाएगी। रोज़गार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। अगर आप कर्ज़े से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन में कमलगट्टे की माला पहन करके लाल आसन पर बैठ करके माँ लक्ष्मी के स्रोत का पाठ करना है, और कोशिश कीजिएगा आपका फेसिंग जो है वो उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। मकर राशि 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है। योजनाएं आज फलीभूत होंगी, तो किसी भी कार्य के लिए प्री प्लानिंग जरूर कीजिएगा। पुराने मित्रों से आज मेलजोल बढ़ेगा, किसी भी जगह पर जाते हैं वहाँ मान सम्मान आप लोगों को जरूर मिलेगा, लेकिन शारीरिक कष्ट दिखाई दे रहा है तो हेल्थ इश्यूज़ को निग्लेक्ट मत कीजिएगा। घर में किसी भी मांगलिक कार्य का आज के दिन में आयोजन हो सकता है, तो आज के दिन में हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी गरीब को अन्न का दान करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में कोशिश कीजिए अपने घर के साउथ डायरेक्शन में संध्या काल के समय चौमुखी सरसों के तेल का आज दीपक जरूर जलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब कुंभ राशि, नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो कुंभ राशि वाले जो लोग हैं आज कोशिश करेंगे दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, अपने डिसीजंस जो हैं आपके वही आपको बेटरमेंट तक लेकर के जाएंगे। हालांकि आज खान पान की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, लाभ होगा, धन लाभ के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में उपाय रहेगा, अपने घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लाहौरी नमक अपने घर के वॉशरूम्स में आज ज़रूर भर कर के रखें। इसके अलावा नहाने के पानी में, स्नान करने के पानी में सफ़ेद रंग के पुष्प डाल करके स्नान करने से भी आज के दिन में स्ट्रेस आपका खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं, मीन राशि 7 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो आज लापरवाही से हानि हो सकती है, तो थोड़ा संभल करके चलें। हालांकि जो राइवल्स हैं, जो विरोधी हैं आपके, वो भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। नई योजनाएं लागू करने के लिए समय काफ़ी अच्छा है, या फिर लोन्स वगैरह लेने के लिए भी समय अच्छा है। लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतेगा। तो मीन राशि वालों के लिए आज उपाय रहेगा, स्फटिक की माला से आज माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो टेक के साथ।